गुड आफ्टरनून गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका राजगीर का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जाएंगे विश्व शांति स्तूप और घोरा कटोरा जैसे स्थानों पे जाएंगे। अभी हम लोग जस्ट निकले हैं है घोरा कटोरा और विश्व शांति स्तूप के लिए। आगे देखते हैं कैसा लगता है घोरा कटोरा और विश्व शांति स्तूप जाने के लिए। आपको अक्सर आपको ई रिक्शा या फिर कोई भी वाहन नहीं मिलेगा। बाकी आपको टमटम के अलावा कोई भी वाहन यहाँ पर नहीं चलेगा। विश्व शांति स्तूप घोरा कटोरा जाने के लिए हमेशा आपको टमटम का ही यूज करना पड़ेगा। घोर सवारी जो कि हम लोग जा रहे हैं अभी फिलहाल विश्व शांति और घोरा कटोरा के लिए। और हमारे अंकित भाई सबसे आगे, कैसा लग रहा है अंकित भाई, एक्सपीरियंस क्या है टमटम का? फर्स्ट टाइम। ओहो गाइस, हमारा भी फर्स्ट टाइम है और ये इतना उछल रहा है क्या बताए। अभी जस्ट हम लोगों ने लंच किया, लगता है सारा एक उछला खुद खाई इनका कहीं पचा देगा। ई रिक्शा क्यों नहीं चलता है? क्योंकि ये पूर्वजों का पुराने जमाने का राजा महाराजा से ही चल रहा है घोड़ा गाड़ी। ओ, तीन बार मारा तो क्यों हुआ है? पैर हाथ तोड़ा तोड़ी हुआ है, पैर हाथ तोड़ा तोड़ी तक हो गया। जी हाँ, नीतीश बाबू ही बोले कि नहीं, यहाँ पहले टांगा चलता था और टांगा ही चलेगा। देश विदेश सभी जगह से आते हैं घूमने फिरने के लिए, शौक से बैठते हैं घोड़े गाड़ी, हर जगह इस्तेमाल नहीं होता है। राजगीर एक ऐसा जगह है, टूरिस्ट प्लेस है जहाँ आदमी दो पैसा खर्चा कर कर इंटरनेशनल प्लेस है विश्व शांति स्तूप, यही ना। तो टांगा वाले भैया का कहना ये था कि विश्व शांति स्तूप और घोरा कटोरा के साइड ई रिक्शा या भी कोई भी वाहन उधर नहीं चलता है, क्योंकि तो पुराने जमाने से राजा महाराजाओं के द्वारा चलाए गए प्रथा के अनुसार इधर घोरा गाड़ी यानी टमटम के अलावा कुछ नहीं चलता। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मारपीट भी हुआ है, लेकिन हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐसा नियम लगा दिया कि अब वहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं जाता, ओनली ऑन टमटम ही जाता है। हमारा डेस्टिनेशन जो है वो हम लोग पहुंच चुके हैं, बस अब टांगे वाले भैया को पैसा देना है। क्या अंकित भाई, लीजिए पैसा लीजिए। तो पैसा वगैरह हम दे दिए इनको, अब चलते हैं विश्व शांति स्तूप। और कुछ ऐसा है विश्व शांति स्तूप के पास का नजारा, ऐसा विश्व शांति स्तूप जाने के लिए अभी हमें बहुत डिसीजन लेना पड़ रहा है कि क्या करें, कि लिफ्ट से जाएं या फिर सीढ़ी से जाएं, क्योंकि धूप काफी तेज है। अब ये फैसला हम अपने अंकित भाई से पूछते हैं। अंकित भाई, अंकित भाई क्या चीज चाहिएगा बताइए। पैदल चलने में मजा है? अरे भाई ट्रेवलर ले, एक नंबर ट्रेवलर है एकदम। इतना देखिए धूप कितना है, इसमें भी ये पैदल जाने के लिए रेडी है, तो जज्बात है इसके अंदर, कुछ कर सकता है ऐसा बंदा है। फिर चला जाए सीढ़ी से ही? जी सर, सीढ़ी से चलेंगे। चलो ठीक है, सीढ़ी से जाने का एक मजा एक और है ये कि आप नजारे को अच्छे से आप खुद से रुक रुक के देख सकते हैं और काफी अच्छा लगेगा चारों ओर का नजारा जब आप अपने आंखों से देखेंगे चारों ओर का। तो अंकित भाई के फैसले के अनुसार ही हम लोग अब सीढ़ी के द्वारा विश्व शांति स्तूप देखने के लिए सीढ़ी के द्वारा चल पड़े हैं। और ऊपर नजारे कैसे जैसे जैसे मिलते हैं आपको सारा चलिए दिखाता हूँ। विश्व शांति स्तूप जाने वाला पहाड़ का रास्ता इतना कठिन है क्या बताएं। अभी तक मैं जितना पर्वत चढ़ा हूँ राजगीर में, उसमें सबसे अगर हाइट होगा अगर सीढ़ी का चढ़ने में मुश्किल आता है तो वो है विश्व शांति स्तूप का जो पर्वत, उसका सीढ़ी है सबसे हाइट। आपको मैं दिखाता हूँ अभी और कितना मुश्किल हो रहा है।
स्ट्रगल करें हम लोग चल रहे हैं इतना धूप में, वो भी दिखाते हैं। तो ये देखिए खरी चढ़ाई है, ऐसे में पता चलेगा आपको, देखिए कितना खरा चढ़ाई है विश्व शांति स्तूप पर्वत का। आधा रास्ता चलने के बाद एक ऐसा व्यू पॉइंट मिला, क्या बताएं, बहुत खूबसूरत दिखता है यहाँ से सामने का पर्वत। अभी आपको दिखाते हैं, हम थोड़ा सांस फूल रहा है क्योंकि हम लोग तेजी में चढ़ रहे हैं और इतना ऊपर चढ़ गए हैं और लगातार दूर तक चढ़े हैं तेजी में। तो ये जो व्यू है हमारे विश्व शांति स्तूप वाले पहाड़ से दिखता है, जब आप आधे चढ़ाई जब चढ़ जाते हैं सामने वाले पर्वत, कितना खूबसूरत दिखता है और बीच में हरियाली नेचर। अभी तो फिलहाल पतझड़ का मौसम है इसलिए पत्ते वगैरह भी कम है, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा बारिश होगा ये सारे इतने हरियाली दिखेंगे सारे पर्वत, क्या होता है उस समय मजा आ जाएगा उस टाइम। भाई साहब देख रहे हैं कैसे रास्ते से जाना पड़ रहा है, मेहनत लगता है वीडियो शूट करने में। टेम्परेचर 45 डिग्री के आसपास है लेकिन फिर भी इतना मेहनत करके आप लोगों को कंटेंट दिखाने के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ और ऐसे ऐसे रास्तों से चल रहा हूँ ताकि आपको कुछ दिखा सकूँ। बस आप लोग से यही गुजारिश करता हूँ, बस मेरे मेहनत को सपोर्ट कीजिए और आप इंजॉय कीजिए और ऐसे ही नज़ारे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम और अच्छे अच्छे इससे भी अच्छे नज़ारे आपको दिखाते रहेंगे। इस तरह की गंदगी अगर मैं देखता हूँ पहाड़ों पे, उसमें भी नेचर ने जिसको खूबसूरत बनाया उसको इंसान ने गंदा कर दिया। देख रहे हैं कितना कचरा है, बहुत बुरा लगता है ये सारा चीज देख के। जिधर देखो कचरा, बोतल, पॉलीथीन, जो भी आते हैं खाते हैं पीते हैं यहीं छोड़ देते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा ना करें और नेचर की हर वो चीज़ को सुरक्षित रखें और सुंदर बनाए रखें। देख लीजिए कितना कचरा है। भैया जी बहुत मशक्क़त के बाद हम लोग फाइनली चढ़ तो गए हैं लेकिन काफ़ी परेशानी हुआ सबसे ज़्यादा कि धूप जो है काफ़ी है, टेम्परेचर 45 के आसपास है जिसके कारण सबसे ज़्यादा परेशानी हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग जस्ट टॉप पे आ गए हैं। अब यहाँ पे जल्दी से एक्सप्लोर करते हैं विश्व शांति स्तूप के टॉप पे, जो भी पीछे भी जापानी मंदिर है एक, और इसके अंदर कुछ सिक्योरिटी इसके कारण कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको इसका अंदर में क्या है वो सारा चीज़ दिखाने का। और बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, अभी फिलहाल अंदर चलते हैं और दिखाते हैं, उसके बाद आपको लास्ट में शांति स्तूप दिखाएंगे। फिलहाल हम लोग अभी शांति स्तूप के ऊपर हैं और शांति स्तूप को है तो कुछ नहीं अंदर जाने का, बस एक गोल मंदिर है जो कि आपको सिनेमैटिक्स में हम दिखाएंगे मंदिर कैसा दिखता है, बट फिलहाल अभी हम लोग बस मंदिर में जो भी है बस ऐसे ऐसे कुछ तस्वीरें लगे हुए हैं बस, और कुछ नहीं है। और यहाँ से बाहर का नज़ारा थोड़ा दिखाते हैं तो काफ़ी ब्यूटीफुल है, वो भी आपको मैं जरा सा दिखाता हूँ। ऊपर से देखो यार क्या लाजवाब सीन है, सारे लोग फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं, इधर छोटा सा एक पार्क है, आओगे तब जाके आपको फील होगा कितना मजा आता है। तो शांति स्तूप के पास पहुंच गए क्योंकि और राजगीर का ये प्रसिद्ध मंदिर है और इसका नाम है विश्व शांति स्तूप जो हमारे पीछे है, इसका भी कुछ हम लोग सिनेमैटिक्स आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे महात्मा बुद्ध के कुछ स्टैचू वगैरह लगे हुए हैं और कुछ ज्यादा कुछ है नहीं खास में, ऊपर हम लगा जाकर आपको दिखाएंगे, बस कोई गेट वगैरह अंदर नहीं, बस मंदिर एक है गोल सा और बस कुछ स्टैचू वगैरह लगे हुए हैं। अब इसके ऊपर अभी जाएंगे और वहां से कैसा दिखता है राजगीर आपको वो दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल यहां से आप पहले सिनेमैटिक्स देखो।
तो राजगीर का एक और एपिसोड हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो में ऑलरेडी ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, और ज्यादा बड़ा होने के बाद आप लोगों को काफी बोर फील होगा। फिलहाल कैसा लगा ये मेरे विश्व शांति स्तूप और इसका पर्वत यहाँ के नजारे, कमेंट हमें नीचे करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग। जय हिंद।